हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और मैं आज आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता है इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बता दिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड बी है और इसमें कोई क्यू चार्ज इंटर करता है वी वेलोसिटी से, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगने लगता है। वो फोर्स कितना होता है वो मैंने आपको समझाया कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसका वेक्टर फॉर्म भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, क्यू वी क्रॉस बी। अब आज हम देखेंगे कि इस फोर्स की वजह से चार्ज का मोशन, मूवमेंट कैसा हो जाएगा, क्या वो सर्किल में घूमेगा या पैराबोलिक हो जाएगा, ये सीधा चला जाएगा या हेलिकल हो जाएगा, क्या होगा, ये सब बातें आज हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। बच्चों, पहली बात, फर्स्ट, इफ वी इज पैरेलल टू बी, अगर पहला केस में लेता हूं कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा होगा। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ये आ गया वी वेलोसिटी से। अब इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, भाई एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एंगल कितना हो रहा भाई, बी भी इधर और वी भी इधर, दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री, मींस इस समय मैग्नेटिक फोर्स जीरो। अरे, जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा मैग्नेट का, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये चार्ज पार्टिकल के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। भाई दखलंदाजी कब कर पाएंगे, जब उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, फोर्स तो अपना जीरो कर बैठे, इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा भागता चला जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी लीनियर, सीधा पार कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड केस ये आता है कि अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, अगर वी इज परपेंडिकुलर टू बी, मीन्स v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, इस सिचुएशन में क्या होगा ये हमको समझना चाहिए। भैया, हमने मान लिया कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस जाना पहचाना लग रहा, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और कोई q चार्ज प्लस क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से इसके अंदर आता है, तो हमको पता है इस प्लस क्यू चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड जो कि बी है एक फोर्स लगा देती है। तो फोर्स एक्टेड एट प्लस क्यू चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन 90, मीन्स एफ एम इक्वल टू क्या लगा, क्यू वी बी, ये मैग्नेटिक फोर्स लग गया इक्वेशन नंबर वन। बच्चों, जब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, वी के परपेंडिकुलर, और आपको पता है अगर V के परपेंडिकुलर लगेगा, जैसे देखो यहां से
यहाँ से जब इंटर करेगा राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालें, तो आपको मैंने समझाया था कि ये क्या करती है फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये मोशन ऑफ चार्ज को, तो ये जो हथेली होती है, जो पाम होती है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। डायरेक्शन फोर्स के लगे ऊपर, तो धीरे धीरे चार्ज ऊपर शिफ्ट होगा, तो इधर लगेगा, इधर इधर इधर, फिर घूमते 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 देखो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, तो धीरे धीरे वो क्या कर देगा, सर्कुलर ट्रैक बना देगा। तो याद रखना कि जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा इस सिचुएशन में, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, सर्कुलर बना देगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां तक सब फैला दीजिए पीछे तक, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में हर समय फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो चार्ज का मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों, सर्कुलर। अच्छा, जब सर्कुलर मोशन हुआ तो इसकी कोई अपनी वेलोसिटी होगी, हमने मान लिया वो कोई रेडियस होगी, हमने मान लिया वो रेडियस कितनी है, आर। हमने मान लिया कि जो ये चार्ज पार्टिकल अपना आर रेडियस की सर्किल में मोशन करने लगा। जब आर रेडियस के सर्किल में ये अपना मोशन स्टार्ट कर देगा, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ बच्चों कि इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अच्छा सर, वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे भैया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी। वेलोसिटी परपेंडिकुलर लगेगा तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना। इट मींस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो यही है सर्कुलर के लिए। मींस इस पर एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है उसको सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटीपिटल फोर्स। और अगर बॉडी को सेंटीपिटल फोर्स ना मिले तो याद रखना बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। कोई ऐसा फोर्स जरूर होता है जो सेंटीपिटल का काम कर देता है। तो बच्चों इट मींस सेंटीपिटल फोर्स required for circular motion, कितना centripetal force required होगा, mv square by r, where m is the mass of charge particle, m क्या है, mass है किसका, charged particle। बच्चों ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा, कौन सा फोर्स सेंटर की डायरेक्शन में लग रहा है? अरे सर सेंटर की डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, उसी की वजह से तो ये सर्कुलर मोशन ले पाया है। और ये तो भैया सही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स एक्टेड एट चार्ज। अच्छा तो कितना हो जाएगा भैया, ये होगा एम वी स्क्वायर अपान आर, और ये किसके बराबर होगा बच्चों, क्यू वी बी। किसके बराबर हुआ, क्यू वी बी। वी से एक वी कैंसिल होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बचेगी, R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। अच्छा इसका मतलब जो सर्कुलर मोशन होगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो गई R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। हमने क्या पढ़ा, इधर लिखते हैं, इधर गंदा हो जाएगा, R इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। क्या एम वी को मैं P लिख सकता हूं, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम?
पी अपान क्यू बी भी लिख सकता हूं मैं, जहां पर पी क्या होगा, लेनियर मोमेंटम। बच्चों यहां से आपको पता चल रहा आर इज प्रोपोर्शनल टू एम, मीन्स रेडियस जो होती ना वो डायरेक्ट मास के प्रोपोर्शनल होती है। इस पर एक बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इफ अ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन बोथ इंटर्स विद सेम वेलोसिटी इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच वन हैव ग्रेटर रेडियस। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, मीन्स दोनों के चार्ज इक्वल, इंटर्स विद सेम वेलोसिटी, दोनों का वी इक्वल, इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का बी इक्वल, देन व्हिच वन हैव ग्रेटर रेडियस, किसके पास ज्यादा रेडियस होगी। अरे भाई जब क्यू सेम हो गया, बी सेम हो गया, वी सेम हो गया, तो बचा कौन है, मास। इट मींस प्रोटॉन की रेडियस ज्यादा होगी किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि हमको पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? वेरी। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं, तो रेडियस जो होती है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। इससे क्या पता चला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इंटर करता है उसकी रेडियस r है, और कुछ भी और ना चेंज करें, केवल वेलोसिटी उसकी फोर टाइम्स कर दे तो रेडियस भी फोर टाइम्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि r इज प्रोपोर्शनल टू v, v जितना ज्यादा होगा रेडियस उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज r इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। फिर r इज प्रोपोर्शनल टू 1/q भी समझ सकते हैं कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे सेम पार्टिकल पे तो रेडियस उसकी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। खैर ये रेडियस पे चर्चा हो गई। अब हम इस पार्टिकल का एक टाइम पीरियड निकालते हैं। भाई जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सर्किल पूरा होने में जितना समय लगेगा वो इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इस चार्ज का, ये भी निकाल लेते हैं। कई लोग कह रहे हैं सर टाइम पीरियड निकालने से पहले हमको रेडियस का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बता दो। अच्छा हो भी ये जान लो, इफ के इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है, तो के बराबर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस इंडिकेट वी इज इक्वल टू रूट में 2k/m। ये v की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, सो r इज इक्वल टू एम वी। देखो ये v, v में वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं, तो क्या रखेंगे, रूट में 2k/m/qb, ये से रूट m, तो r इज इक्वल टू रूट में 2km/qb। This is also formula of radius in the term of kinetic energy. It means on increasing the kinetic energy, the radius also increases. ठीक है बच्चों? Okay. Now we have to discuss about the time period of charge particle. Time period of charge. इस चार्ज का टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो टाइम पीरियड के लिए टी को किसके बराबर करना चाहिए, भाई एक चक्कर में लगाया गया समय चाहिए, और आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चला, रेडियस आर थी, एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस चला, 2 पाई आर, जो इसका सरकमफेरेंस होगा,
मीन्स सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस लिखने से अच्छा मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि अब तो आप लोग इतने बच्चे नहीं कि आपको सरकमफ्रेंस ना मालूम हो। 2πr अपॉन वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी कितनी थी, हर जगह वेलोसिटी v थी। अच्छा वेलोसिटी तो हर जगह v ही थी भाई, बहुत बढ़िया। जब हर जगह वेलोसिटी v थी तो अपॉन में v, इसका मतलब यह हुआ कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आएगा, आप रेडियस का फार्मूला पुट कर दीजिए। आप क्या करिए, रेडियस का फार्मूला पुट कर दीजिए। रेडियस इज इक्वल टू कितना है, आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2πi अपान वी और इंटू आर की जगह एम वी अपान क्यू बी, वी से वी कैंसिल, बचा कितना टाइम पीरियड, ये बचा 2πm अपान क्यू बी। यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है, क्या, कि जो टाइम पीरियड है ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, टी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वी। तो टाइम पीरियड वेलोसिटी से डिपेंड नहीं करता, मींस अगर वी वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल आएगा तो अगर एक चक्कर मारने में टी टाइम लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो सर्कुलर पाथ लेगा, तो अगर वो 10 वी वेलोसिटी से है, 10 टाइम्स वेलोसिटी हो जाए तब भी उसका टाइम पीरियड टी ही रहेगा, उसका वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि फार्मूले से गायब हो चुका है, वी से वी कैंसिल हो चुका है। तो ये बात आप याद रखेंगे, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ती ना बेटा तो रेडियस बढ़ जाती है। आपको लगता होगा यार तेज आया तो जल्दी चक्कर पूरा करे, ऐसा नहीं होता बेटा। जब वो तेज आएगा तो क्या होता है कि उसकी रेडियस बड़ी हो जाती है। अब रेडियस बड़ी हो गई तो टाइम ज़्यादा लगना चाहिए, तो वेलोसिटी को जस्ट टाइम कवर हो गया तो टाइम उतना ही लगेगा, बस केवल रेडियस बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राइट डाउन द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखिए, तो उसको भी हम लोग यहां से लिख देते हैं। कैसे, मैं इसको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा इतने पार्ट को। बच्चों आपको पता है के इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में फार्मूला लाने का बहुत सिंपल फंडा होता है, आप यहां से वी की वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए, कितनी होती है देखो, यहां से आर क्यू बी अपॉन एम वैल्यू पुट कर दो, हाफ एम इंटू आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, हाफ आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम। दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों। ओके बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तेजी से सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझको। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा इसमें सीखने का फंडा ये है कि व्हेन चार्ज इज एट एनी एंगल, अगर चार्ज किसी दूसरे एंगल से इंटर करे इन द मैग्नेटिक फील्ड, कैसा, थर्ड पॉइंट हमारा हुआ इफ वी इज एट एंगल थीटा फ्रॉम बी, वेलोसिटी का कंपोनेंट थीटा से थीटा डिग्री पे हो मैग्नेटिक फील्ड से, तो कैसे करें। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यह मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज इस तरीके से इंटर करता है, कितनी क्यू चार्ज है वी वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड से कितने एंगल पर आया ये थीटा एंगल पे। सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट्स मोशन, इसके मोशन के बारे में हमको डिस्कस करना। अच्छा हम यहीं तक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, जस्ट इंटर करते हुए दिखाते हैं, ठीक है। अब ये क्यू चार्ज है इन मास का, जब ये इंटर करेगा तो आपको कुछ दिख रहा होगा। हमको ये दिख रहा है कि हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं यहां पे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी पैरेलल वी कॉस थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट वी परपेंडिकुलर। ये कितना आया, ये आया वी साइन थीटा, वी परपेंडिकुलर वी साइन थीटा। स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो गया वो इसको क्या करेगा, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर देगा। क्या करेगा वो, इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा ये क्या करेगा, भाई पैरेलल वाला तो इफेक्टेड ही नहीं होता, उसकी वजह से कोई फोर्स भी नहीं लगता क्योंकि एफ बराबर क्यू वी साइन जीरो हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब इतना हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये चार्ज क्या करेगा, ऐसे मोशन करेगा, मींस इस कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ होगा, इसकी वजह से लीनियर पाथ होगा वी कॉस थीटा की वजह से, और ये इस टाइप से हेलिकल पाथ लेता हुआ। इसका मतलब इस समय पाथ कैसा हो जाता है, हेलिकल हो जाता है। कैसा हो जाता है, हेलिकल। इस समय वेलोस इसकी रेडियस क्या होगी, तो भाई फोर्स एक्टेड एट चार्ज, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लिख देते हैं मैग्नेटिक, ठीक। फोर्स एक्टेड एट चार्ज कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखो ना बी साइन थीटा परपेंडिकुलर टू द फील्ड, वी साइन थीटा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी कितना आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, दस एफ एम इज इक्वल टू एफ सी। क्यों, क्योंकि हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिला है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, वी से वी कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू क्या बचेगा, और ये वी कौन सा लेंगे, ये वी लेंगे जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है। कौन सर्कुलर मोशन करवा रहा है, एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स ये हमारे पास बचेगा एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी। तो आर का फार्मूला कितना आ गया, ये आ गया एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी। कई लोग इसको डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, वो सोचते हैं आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी लगाते थे तो अब वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते, वी की जगह वी साइन थीटा दे तब भी आंसर आ जाता है, लेकिन ये एक एग्जैक्ट मेथड है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं कि हमको यहां पे पिच निकाल, टाइम पीरियड निकालना चाहिए, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टाइम पीरियड तो t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r रेडियस अपान v वेलोसिटी। तो बच्चों कौन सी वेलोसिटी इसको सर्कुलर में घुमा रही है, ये वाली वेलोसिटी घुमा रही है, कौन सी, ये अपान v परपेंडिकुलर। तो ये कितना आएगा, 2 पाई r की जगह वैल्यू पुट करो एम वी साइन थीटा अपान क्यू बी और इनटू वी परपेंडिकुलर की जगह वी साइन थीटा, वी से वी कैंसिल, ठीक है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो टी कितना बचा, 2 पाई एम अपान क्यू बी।
इट मीन्स टाइम पीरियड इज इनडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी आल्सो। इस समय भी टाइम पीरियड क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि फार्मूला आया है 2πm/qb। मेरी बात क्लियर हो रही होगी? अच्छा, अब आपसे कहा गया भैया ठीक है पिच बताइए इसकी पिच। अब पिच क्या होती सर? अरे पिच नहीं जानते हो हैं? स्क्रू गेज से पढ़ाया गया होगा, वहां पे पिच बताई गई होगी। खैर मैं फिर बताता हूं, एक चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन लेने के दौरान जितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोलते हैं पिच। मींस जैसे कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है और ऐसे ऐसे मोशन भी, तो यहां से यहां तक अगर एक मोशन पूरा हुआ तो यहां शुरू हुआ यहां खत्म हुआ तो ये इसकी एक पिच हो गई, दूसरा चक्कर यहां पड़ा तो ये इसकी क्या हो गई, एक पिच हो गई। तो जितनी डिस्टेंस चलने के बाद वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है वो उसकी क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो पिच का फार्मूला क्या होगा भाई, आगे की तरफ ले जा कौन रहा है, वी पैरेलल, तो वेलोसिटी इनटू एक चक्कर मारने में जो टाइम लगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो पता चल जाएगा कितना आगे बढ़ गया, कितना आगे बढ़ा, तो वी पैरेलल और इनटू टाइम, टाइम पीरियड। v पैरेलल कितना आता है, v cos थीटा इंटू 2πm/qb, दिस इज द पिच। तो पिच क्या होती है, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस, ठीक है, व्हिच चार्ज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कंप्लीटिंग वन सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये पिच की डेफिनेशन है और ये पिच का फार्मूला है। ये हो गया हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।